बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड मार्कअप। प्रॉफिट क्या है, मार्कअप क्या है, आज इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट पे कि प्रॉफिट है क्या। इसकी डेफिनेशन देखें 7th क्लास पेज नंबर 91, टॉपिक जो है वो 7.2 से है और यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने प्रॉफिट। जी, प्रॉफिट है, बुक आप ओपन कर लें और वहां से जो है वो अंडरलाइन करें जो मैं बता रही हूँ। प्रॉफिट है क्या, कहते हैं आ प्रॉफिट मीन्स व्हाट वी हैव अर्नड आफ्टर सेलिंग अ थिंग। कहते हैं प्रॉफिट जो है इसका मतलब ये है कि हम क्या जो है वो अर्न करते हैं। अर्न होता है कमाना, हम क्या कमाते हैं या हमें किस चीज का फायदा होता है आफ्टर सेलिंग अ थिंग, जब हम कोई चीज बेचते हैं। या फिर आम लफ्जों में कहते हैं कि जब हम कोई चीज जो है कोई चीज बेचें तो फिर उसके ऊपर हमें होने वाला जो फायदा है या हमें होने वाला जो उसके ऊपर से हमें जो कोई चीज हम कमाते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज जो है वो अगर आपके पास पेन है तो पेन आप लेके आते हो बाजार से 30 रुपीज का और आप उसे यहाँ पे अपने घर में आके किसी फ्रेंड को या किसी और को जब बेच रहे हो तो वो आप दे रहे हो उसे तो वो कितने का आप कर देते हो 40 रुपीज का कर देते हो, तो 10 रुपीज क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ ना। तो ये वही बात है इसमें। तो अब ये देखें, ये डेफिनेशन जो है इसकी ये है प्रॉफिट की, ये अंडरलाइन कर लें यहां तक। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला जो है, प्रॉफिट को हम ले लेते हैं गेन में, ओके तो इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू गेन। गेन में और प्रॉफिट में हम इसे ले लेते हैं, ये गेन भी जो है ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट की फॉर्म में ही है। अब इसके बाद जब हम प्रॉफिट को परसेंटेज में लेके आएंगे तो इसके लिए हम ये काम करेंगे, प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन। गेन जो है हम प्रॉफिट को ही कह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि शायद किसे कह रहे हैं, गेन हम ले रहे हैं, प्रॉफिट को ही ले रहे हैं। प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% जो है। 7th क्लास ये फॉर्मूला आपने जो है इसी तरह से 6th क्लास में भी पढ़ा था। जी, अब देखें नेक्स्ट जो है ये प्रॉफिट इन परसेंटेज के बारे में बताया आपको। अब हम बात करेंगे मार्कअप के बारे में कि मार्कअप है क्या। मार्कअप की जो डेफिनेशन है वो जरा आप देखें, नीचे जो पेज नंबर 91 है इसके ऊपर ही ये जो उन्होंने इसमें कॉलन में जो है वो उन्होंने बताई है यहाँ पे कॉमास में। अब ये देखें यहाँ से, अ मार्कअप इज एन अमाउंट, कहते मार्कअप जो है ये वो अमाउंट है एडेड टू अ कॉस्ट प्राइस, जिसे हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस में, टू कैलकुलेट द सेल प्राइस, सेल प्राइस को जानने के लिए। सेल प्राइस को जानने के लिए जो है, सेल प्राइस कौन सी होती है और कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है। कॉस्ट प्राइस जो है ये वो है जहां से हम कोई चीज खरीद के लेके आते हैं, सेल प्राइस वो है जिसे हम कोई चीज बेचते हैं, जिस प्राइस से हम कोई चीज बेचते हैं वो सेल है, जिसे हम खरीदते हैं वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो इसी तरह से ये डेफिनेशन है इसकी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अ मार्कअप इज एन अमाउंट, कहते हैं मार्कअप जो है ये वो अमाउंट है एडिड टू अ कॉस्ट प्राइस, जो हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, टू कैलकुलेट द सेल प्राइस, सेल प्राइस को जानने के लिए। जी, अब उसे कैलकुलेट करने के लिए, तो ये है मार्कअप। ये अंडरलाइन आप कर लें, वैसे उन्होंने अंडरलाइन जो है यहाँ पे की हुई है लेकिन फिर भी आप करें, ये आपने याद करनी है। उसके बाद इसका फॉर्मूला जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 92 पेज पे जो है सबसे ऊपर जो है ये लिखा हुआ है मार्कअप। मार्कअप का फॉर्मूला है आर पी टी मल्टीप्लाई आर। अब ये देखिए आर पी टी, ये ऊपर जितने भी यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आर है बच्चे, इसके ऊपर ही देखें जो एक लाइन लिखी हुई है उन्होंने, उन्होंने बताया है कि आर को हम ले रहे हैं, आर इज अ मार्कअप रेट, ओके। फिर उसके बाद पी क्या है, पी जो है ये है पी इज अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। टी जो है टी इज अ टाइम पीरियड, टी जो है ये टाइम पीरियड है, इसे हम एज अ टाइम पीरियड लेंगे। और 100 जो है इसे हम जो है वो ले रहे हैं, इसमें मार्कअप पे हम ले रहे हैं कि हम ये तमाम चीजें जो है वो 100% से ले रहे हैं, इस वजह से हम 100 लेंगे। उसके बाद ये मार्कअप जो है ये इसका फॉर्मूला है। जी 7th क्लास, ये आपने फॉर्मूला जो आज आपको पढ़ाया है इतना ही आपको पढ़ाना है,
के प्रॉफिट और इसके मार्कअप के बारे में बताया है आपने, प्रॉफिट की डेफिनेशन, उसके दोनों फार्मूला जो हैं, साथ मार्कअप की डेफिनेशन और उसका फार्मूला, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना भी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।